torque experienced by rectangular current carrying coil placed in magnetic field. ये मेरे पास अब एक कोयल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट बोरिंग कोयल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सही है, इस डायरेक्शन में करंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन दे दिया आपको इस तरफ, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है भाई, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी और करंट की डायरेक्शन आपको मिल गई। क्या फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो भाई? फोर्स की डायरेक्शन बताओ, कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये बताएगा फोर्स, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा करंट, या करंट ऊपर की तरफ है, सेंट्रल फिगर बता रही है, इस वाले आर्म में करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो फोर्स का लगेगा थंब बताएगा, और ये थंब का है इनवर्ड, मतलब इस बोर्ड की डायरेक्शन में, देखो थंब ये रहा, ये इस डायरेक्शन में कैसे दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे, तो यहां बन जाएगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो थंब क्या बताएगा? फोर्स, जो कि क्या है, इस प्लेन ऑफ पेपर के या इस बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां बन जाएगा हमारे पास में भाई फोर्स F4, फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, F4 फोर्स ये मान लिया, F2 फोर्स ये मान लिया, यहां हो गई, ये हमारे पास है थीटा एंगल, ये कितना बनेगा 180 माइनस ऑफ थीटा, थीटा एंगल पे मान लिया फोर्स बन रहा है, तो फोर्स का बनेगा इसमें, सॉरी थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स ऊपर की तरफ बनेगा, ये बताएगा करंट, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि थीटा एंगल पे है, तो फोर्स बन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया F1। सिमिलरली यहां हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल जब यहां थीटा से घटा होगा, यहां हमारे पास क्या बन जाएगा F3। तो आपको ये मेरे पास है ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोइल है ना, तो एक लेंथ साइड एक ब्रेड्थ साइड है, ठीक है भाई, तो मान लिया हम फोर्स निकाल रहे हैं F1, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, वो फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, F = BIL sin थीटा, क्या होता है BIL sin थीटा, ठीक है भाई, BIL sin थीटा क्या होगा भाई, सुनो, यहां मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, लेकिन यहां लेंथ तो नहीं है, ये ब्रेड्थ है, क्या ये ब्रेड्थ, तो इस एल के बजाय मैं इस फेस के लिए क्या यूज करूंगा, बी, और साइन थीटा मेरे पास एंगल फॉर्मूला है, तो साइन की वैल्यू एज इट इज मेरे पास ये, तो बी हो गया आई हो गया बी साइन ऑफ थीटा, मेरे पास आ जाएगा फोर्स F1, ठीक हो गया, F1 मिल गया, F2 यहां पे देखो लेंथ के साथ कितना एंगल फॉर्मूला है 90, कितने एंगल फॉर्मूला है 90, तो बन जाएगा BIL sin of 90 degrees, जो कि sin 90 कितना होता है 1, अरे sin 90 कितना होता है भाई 1, तो F2 मिल गया हमें BIL के बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड में, F3 यहां जो सेम सिचुएशन होगी, क्या बन जाएगा BIB sin of थीटा, F4 यहां ये भी सिचुएशन सेम है, क्या बन जाएगा BIL sin of 90 degree, sin 90 1, तो आपको चारों फोर्सेस मिल गए, फोर्सेस की, तो एक बात बताओ मेरे को, मैं चारों फोर्स अगर मिल गए तो भाई जबकि F1 और F3 बराबर है, अरे F1 और F3 बराबर है और ओपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई बोलो, कैंसल आउट हो जाएंगे, एज F1 एंड F3 आर इक्वल बट एक्टिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसल्ड, ठीक हो गया, अब यानी F2 जो फोर्स बन रहा है वो इनवर्ड बन रहा है, F4 जो बन रहा है वो आउटवर्ड बन रहा है, डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन भी उल्टी होगी, बराबर भी होगी फोर्स, लेकिन ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐसा क्यों भाई, भाई इन्होंने क्या गलती कर दी भाई, भाई तो इन बेचारों के इन पे क्या जुर्म होगा,
कि भाई इनको आप कैंसल आउट नहीं कर रहे, इन इनको कैंसल कर रहे हैं आप, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये दोनों फोर्सेस है ये टर्निंग मोमेंट क्रिएट कर रहे हो। बात आ गई टर्निंग मोमेंट का मतलब क्या है। सपोज मान लो यार मेरे पास ये बुक है, ठीक है भाई, इसके ऊपर फोर्स मैं यहां लगाऊं, ठीक है, और इससे फोर्स यहां लगाऊं, तो इससे क्या होगा? रोटेट करेगी चीज, ये भाई से रोटेट करेगी ना चीज, पॉइंट क्लियर है। अगर मान लिया दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आगे मूव करती है, लेकिन अगर एक फोर्स लग रहा है यहां पे और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या होगा? वो चीज रोटेट करेगी, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ये किसके बराबर है? बेस। पता किसका है? हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस इनटू कोस थीटा, हाइपोटेनस इनटू कोस थीटा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इनटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, इक्वल टू टॉर्क, जबकि लेंथ इनटू ब्रेंथ, ये फॉर्मूला किसका होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बी आई ये बन जाएगा हमारे पास ए कोस ऑफ थीटा is equal to torque, सही है भाई, पक्का है। जबकि करंट इनटू एरिया फॉर्मूला किसका है भाई? करंट इनटू एरिया फॉर्मूला किसका है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बन जाएगा m, कैपिटल m से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो m इनटू b इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, इक्वल टू टॉर्क, सही है भाई। अगर मैं ये कहूं कि रिजल्टेंट जो एंगल है वो यहां बन रहा है अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा मेरे पास है 90 डिग्री, मैं क्या कहूंगा? लेट मैग्नेटिक फील्ड लाई एट थीटा प्लस अल्फा एंगल, ठीक है, दिस इंप्लाइज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 बनाइए, अब ये अगर 90 बन गया तो थीटा क्या बन जाएगा? 90 माइनस ऑफ अल्फा, भाई थीटा क्या बन जाएगा? 90 माइनस ऑफ अल्फा, मुझे क्या चाहिए? कोस थीटा, तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस ऑफ अल्फा, जिसको साइन अल्फा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा। तो यार कोस थीटा की वैल्यू कर दो इसे पे, टॉर्क क्या आ जाएगा? एम बी साइन ऑफ अल्फा, भाई टॉर्क क्या बन जाएगा? एम बी साइन अल्फा। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो और साइन साथ में आ जाए तो क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बन जाएगा टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो इसको रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हो बाद में, ठीक है।